नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में सहारा व पल्स कंपनियों ने करोड़ों लोगों का पैसा आरडीपीडी वाली योजनाओं में भारी मुनाफे का लालच देकर जमा कराया था। गरीब सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने बेहतर भविष्य व बेटियों की शादी आदि के लिए अपनी मोटी कमाई सहारा में जमा कराई थी, लेकिन निश्चित मियाद पूरी होने के बाद भी सालों से उन्हें कोई रकम नहीं मिल पा रही है। प्रदेश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों ने पिछले 5 सालों से लगातार कंपनियों के चक्कर न लगाए हों। सहारा की शाखाओं में जाने पर वहां मौजूद लोग यह कहकर टाल देते हैं कि पैसा मिल जाएगा। पिछली सरकारों ने उन लोगों की कोई सुध नहीं ली जिनके सहारा कंपनी में पैसे फंसे हैं। उन्हें उनकी जरूरत के समय तो पैसे मिल नहीं पाए, अभी भी मिलने की कोई संभावना भी नहीं नजर आ रही है। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस कार्यकर्ता जेपी सिंह, उदय राज सिंह, नासिर चौधरी, बबलू जैदी, वसीउर रहमान, राजेंद्र चौहान, सुनील कुमार, मौलाना शेर अली जावेद अहमद, एडवोकेट मेहराज सिद्दीकी, बलराम सिंह ठाकुर, ठाकुर आदित्य सिंह चौहान, एडवोकेट सुधीर कुमार, डॉक्टर एजे चंदन व डॉक्टर सुमन आदि लोग मौजूद रहे। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति। आज धामपुर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा प्रकरण? आज हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है। हमारे देश में सहारा इंडिया कंपनी का और पल्स कंपनी का लगभग लंबे समय से 2.25 करोड़ निवेशकों की रकम फंसी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार वो रकम दिलाने में निवेशकों की अभी तक असमर्थ रही है। हम सरकार से, राज्यपाल महोदय से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन निवेशकों की रकम उन लोगों को दिला दी जाए और इन कंपनियों के फर्जीवाड़ा के विरोध स्वरूप हम लोगों ने आज ये प्रदर्शन किया है और इसके संबंध में हमने उप जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।